डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग। क्लास 10th, 9th, 11th, 12th में जो आपकी आर्टिकल राइटिंग पेपर में आती है, उसके नेक्स्ट एग्जांपल को आज हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को लाइक करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आर्टिकल को लिखने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगी कि आर्टिकल को लिखने से पहले सबसे पहले आप आर्टिकल को तीन पैराग्राफ में लिखें। फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन, सेकेंड वन मेन बॉडी और थर्ड वन उसका कंक्लूजन। टॉपिक पर सबसे पहले आप अच्छी सी हेडिंग सेलेक्ट कर लें, जो हेडिंग दी गई है उसको और इफेक्टिव बना सकते हैं। और हेडिंग लिखने के बाद में सेंटर में, इसके बाद में हम जिसके द्वारा लिखा जा रहा है उसका नाम लिख सकते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है जो रोल ऑफ मॉडर्न गैजेट्स इन ह्यूमन लाइफ। इसमें आपका टीवी फोन सभी का जिक्र आता है, तो आइए शुरू करते हैं। मार्गरेट हेफर्सन हैज रिटन, होम इज वेयर द हार्ट इज। घर वहीं पर होता है जहां हमारा दिल लगा रहता, बट टुडे द फोन इज वेयर द हार्ट इज। जहां पर फोन होता वहीं पर हमारा मन रहता है। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट आवर मोबाइल फोन्स, टीवी सेट्स एंड अदर मॉडर्न गैजेट्स। तो यहां तक कि हमारे मोबाइल फोन्स के बिना, हमारे टीवी के बिना, हमारा गैजेट्स के बिना जीवन भी कैसा लगता है, बहुत कठिन। ऑल दीज थिंग्स हैव गेन्ड सो मच पॉपुलरिटी दैट एंड वाइड यूज टूडे। इन सभी चीज़ों ने बहुत वाइड यूज इनका सबका हो गया है। एवरी डे प्रतिदिन न्यू गैजेट्स आर लॉन्च्ड इन द मार्केट। बहुत से नए नए आते हैं गैजेट्स जो मार्केट में विद द सोल पर्पज ऑफ सर्विंग अस। उनका केवल एकमात्र उद्देश्य होता है हमारी सेवा करना। गैजेट्स आर वेरी यूजफुल फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ फॉर वर्किंग। और गैजेट्स का उपयोग सबसे ज्यादा वहां भी होता है जहाँ पे पति पत्नी दोनों ही सेवा में है। दे सेव टाइम, क्योंकि इनसे हमारा क्या बचता है, समय बचता है। इसके उपरांत अ राइटर हैज कोटेड, ये तीसरा पैराग्राफ है इसका, टेलीविजन इज द मॉन्स्टर इन योर होम। तो उन्होंने यहां तक कह डाला कि टेलीविजन एक प्रकार का क्या होता है, मॉन्स्टर, जैसे कि कोई राक्षस घर में घुस आता है और टेलीविजन को उसकी उपमा दे दी। इट डिपेंड्स ऑन आवर सेल्फ दैट हाउ वी यूज दीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे हम इसमें ये भी कह सकते हैं साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इन सब चीजों का किस प्रकार का प्रयोग करते हैं। सेल फोन्स ब्रिंग यू क्लोजर टू द पर्सन फार फ्रॉम यू। और जो हमारे मोबाइल फोन्स होते हैं हमको उन लोगों से भी दूर करते हैं, उन लोगों के पास ला देते हैं जो हमसे की दूर है। बट लेकिन इट्स बैड इफेक्ट इज, इसका जो बुरा प्रभाव ये है दैट इट टेक्स यू अवे फ्रॉम द वंस, लेकिन ये हमको उन लोगों से दूर ले जाता है सिटिंग बिसाइड यू, जो कि तुम्हारे पास में बैठे हुए हैं। आई फाइनली रियलाइज, तो अंततः मैं ये महसूस करती हूँ दैट पीपल आर प्रिजनर्स ऑफ देयर फोन्स, देयर टीवी सेट्स एंड गैजेट्स, कि जो लोग हैं अपने ही फोन्स के, अपने टीवी सेट्स के, अपने गैजेट्स के एकमात्र कैदी बनकर ही रह गए हैं। तो डियर चिल्ड्रन, इस प्रकार के आर्टिकल को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, लाइक करें। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।